हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉस्ट ऑफ मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए क्या ही टी टाइम स्लाइस का रेसिपी। आप अपने टी टाइम एंजॉय कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में स्नैक्स बना करके, जो कि ये ब्रेड का बना हुआ है और वो भी बिना बेसन का। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप इसको बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। जिसको भी खिलाओगे बोलेगा कैसे बना, यानी कि रेसिपी पूछे बिना नहीं जाने वाला है। तो फटाफट से चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रेसिपी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ले लेंगे ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर लिया है ब्राउन ब्रेड। आप अपने मनपसंद का ब्रेड ले सकते हो, यानी कि आप चाहो तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया 2 अंडे और आधे कप ले लिया था दूध। बस एक बाउल हम लोग लेंगे, बस अंडे को तोड़ करके डाल लेंगे दोनों अंडे को। तो बस इस तरह से हल्के हाथों से टैप करेंगे और बस अंडे तोड़ करके डाल लेंगे। अच्छी तरह से हम लोग फेंट लेंगे अंडे को स्पून की मदद से। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी, तो 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पर डाल दिया है चीनी। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, यानी कि 1 पिंच जितना हम लोग डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंडे नमकीन होती है। तो बस नमक यहाँ पर ध्यान से डालना है। 1 टेबल स्पून डाल दी यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग। बस थोड़ा सा डाला है चिली फ्लेक्स, बहुत ही कम डाला है चिली फ्लेक्स। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो और ज़्यादा भी डाल सकते हो। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। बस मिक्स करने के बाद क्या करेंगे ना, हम लोग डाल देंगे इसमें आधे कप दूध। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा क्वान्टिटी बढ़ा या कमा सकते हो, यानी कि आप लोग ज़्यादा ब्रेड लेते हो 6-7, तो थोड़ा सा दूध बढ़ा सकते हो या एक इसमें अंडा भी और डाल सकते हो। बस अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया था दूध डालने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे ब्रेड और ब्रेड को बस इस तरह से रेक्टेंगल पीछे से मैं कर रही कट। आप चाहो तो ट्राइंगल में कट कर सकते हो, आप अपने मन हिसाब से इसको कट कर सकते हो, यानी कि जैसा मन वैसा आप इसका इसको कट कर सकते हो। बस इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये घोल को लेंगे और इसमें डीप करेंगे और बस इसको निकाल लेना है। बस हल्के हाथों से इसको हम लोग डीप करेंगे, ज़्यादा इससे प्रेशर नहीं देंगे, नहीं तो ब्रेड हमारी टूट जाएगी। तो बस इस तरह से डीप करते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। तो बस सारे मैंने डीप करके निकाल लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर मैंने पहले से रख रखा था कढ़ाई गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो इसमें डाल दिया था ऑयल। तो बस ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे फ्राई करने के लिए। आप चाहो तो इसको शेलो फ्राई भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते हो तो। बस इसको 1 से 2 बार इसको पलटा देंगे और बस इसको क्रिस्पी होने तक करेंगे फ्राई। तो ये देखिए एकदम इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ चुकी थी। तो बस इसको एक्स्ट्रा ऑयल हम लोग निकाल लेंगे। बस इसी तरह से सारे ब्रेड को कर लेंगे फ्राई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी हमारी स्नैक्स फ्राई हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही टेस्टी सा हमारे स्नैक्स बन करके हो चुकी रेडी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। तो आप अपना टी टाइम इजीली इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 मिनट वाली रेसिपी है। तो रेसिपी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पर नहीं आते तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के